वेलकम बैक ग्रेंडिया। तो दोस्तों आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लुमेट्री पैनल के बारे में। ये दोस्तों कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा और मास्टर टूल है। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे, अपनी फुटेज को सिनेमैटिक प्रोफेशनल कैसे कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और विद आप लट्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और इसके बारे में आरजीबी परेड के बारे में बताएंगे और वेक्टर स्कोप के बारे में डीपली बात करेंगे। आइए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे लुमेट्रिक स्कोप्स के बारे में। आप मेरी फुटेज देख रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है इसके कलर्स, इसके अंदर ग्रीन टोन बहुत है और बिल्कुल फुटेज नेचुरल नहीं है। जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पे इतना टेम्परेचर का, वाइट बैलेंस का पता नहीं चल रहा था, इस वजह से ये फुटेज बहुत ख़राब आ चुकी है। हम इसे एक्यूरेट परफेक्ट कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आपने जाना है कलर के अंदर, यहाँ पे टॉप पे आपको दिखाई देगा कलर्स, ओके। उसके बाद दोस्तों आपने जाना है लुमेट्रिक स्कोप्स के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक स्कोप दिखाई देगा जो कि वेक्टर स्कोप्स है, और हमने ऑन कर लेना है आरजीबी परेड, ओके। दोस्तों फिलहाल हमारे दो मेन हैं, हम इनके ज़रिए कंट्रोल करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारे मेन टारगेट होते हैं रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी। देखिए सबसे पहले हमारा ये लाइन है 80% पे, जो हमारे लाइन दिखाई दे रही है सबसे, ये हमारी कोई भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जहाँ तो सारे बराबर होने चाहिए जहाँ ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे 80 के ऊपर हमारा मतलब कलर जा रहा है ग्रीन, और 0 पे चले गए तो बिल्कुल डल हो जाएंगे, अगर 100 पे चले गए तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन वाले कलर्स हो जाएंगे। अब हमारा टारगेट है 80 के ऊपर ये ना जाए, तो सबसे पहले 80 के ऊपर जा रहा है ग्रीन और रेड, हम इन्हें कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप अपने राइट साइड पैनल के अंदर, यहाँ पे आपने जाना है कर्व के अंदर, ओके, और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे आरजीबी कर्व। सबसे पहले हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन टोन ज़्यादा है, हम साथ साथ में आरजीबी परेड को भी लेके चलेंगे। देख सकते हैं हम इसको बिल्कुल डाउन करेंगे। ये दोस्तों बताना चाहता हूँ, तीन चीज़ें होती हैं, हाइलाइट्स होते हैं, मिड टोन होती हैं और शेडोज़ होती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम हाइलाइट्स के ऊपर से कम करेंगे, ओके, ऊपर से पकड़ के डाउन करेंगे, ग्रीन टोन देख सकते हैं आरजीबी परेड कम हो गया, ओके। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि अभी रेड टोन थोड़ी ज़्यादा है, रेड के अंदर आ जाएंगे, रेड सेलेक्ट करेंगे, हम रेड को डाउन करेंगे थोड़ा सा, ओके। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आरजीबी परेड के अंदर दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कम है, दोनों ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गए, मैच हो चुके हैं, ब्लू टोन बिल्कुल कम है, हम ब्लू के अंदर जाएंगे, ओके। हम इसे बढ़ाएंगे, यहाँ से हाइलाइट्स को बढ़ाएंगे, ओके ओके। दोस्तों हमने इसके हाइलाइट्स ब्लू टोन के बढ़ा दिए, ओके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने स्किन एक्यूरेट करनी है, अब हमारी स्किन टोन लेके आनी है हमने वापस, ये बिल्कुल स्किन टोन ठीक नहीं है। मैं इसे जूम करता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं क्या करेंगे स्किन टोन लाने के लिए, ये हमारे अभी कलर सेट हो चुके हैं, अब स्किन टोन लेके आएंगे। हमने क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले इफ़ेक्ट्स के अंदर जाना है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे सर्च करेंगे फास्ट कलर करेक्टर, इसको हम अपनी फुटेज के ऊपर रखेंगे, ओके। अब हम इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ओपसिटी के अंदर अपनी स्किन के ऊपर मास्क करेंगे दोस्तों, ओके, स्किन को सिलेक्ट करेंगे, ओके। दोस्तों फैदर बंद कर देंगे, अब क्या करना है दोस्तों, हमने पैनल को अलग कर लेंगे लुमेट्रिक स्कोप्स वाले, ओके। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूँ, थोड़ा पैनल बड़ा कर लेता हूँ। अब हम स्किन एक्यूरेट कर रहे हैं, स्किन टोन वापस लेके आ रहे हैं, ओके। इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येलो, रेड, मैजेंटा, ब्लू, सियान एंड ग्रीन। दोस्तों ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये होती है जो बीच में येलो एंड रेड के बीच में जो लाइन दिखा रही है, ये होती है स्किन टोन की लाइन। दोस्तों
ये देखिए, अब येलो में ज़्यादा है थोड़ा सा ये, हम इसे बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। ये लाइन हमेशा आपकी स्किन टोन की सेंटर में होनी चाहिए, तभी आपकी स्किन टोन ठीक हो पाएगी। अब हम ठीक कैसे करेंगे, अभी हमने जो फास्ट कलर करेक्टर रखा है उसके ज़रिए इसे कंट्रोल करेंगे। दोस्तों आपको स्किन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बोला देखिए हम बिल्कुल ह्यू एंगल को बढ़ाएंगे। दोस्तों ये होता है सेंटर में ह्यू एंगल हमारा, हम ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल, नहीं तो कलर चेंज होते जाएंगे। हमने ह्यू एंगल को चेंज करना है। ओके बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब मैं इस पैनल को छोटा कर देता हूँ। ओके अब मैं क्या करूँगा, जो मास्क किया था इसे रिमूव कर दूंगा ऑपसिटी के अंदर। क्लियर। ओके तो देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सेट कर लूँगा इसको, डन। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने लुमेट्रिक स्कोप के अंदर, हम ऑन करेंगे यहाँ पे वेव फॉर्म लूमा। दोस्तों ये वेव फॉर्म होती है कि हमारा क्लिप कितना ब्राइट है कितना डार्क है ये हमें बताता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो देख सकते हैं, ये आपको जो लेफ्ट हैंड साइड डाउन कलर दिख रहा है तो यहाँ पे कोई भी ब्राइटनेस नहीं है, इसीलिए ये जीरो पे है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है देख सकते हैं पूरा एरिया के अंदर। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों ये व्हाइट पार्ट है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ये व्हाइट पार्ट है, और बिल्कुल डाउन पे दिखाई दे रहा है ये ब्लैक पार्ट है दोस्तों, ऊपर ये व्हाइट पार्ट है। अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे जो जीरो पे लगा हुआ हम इसे थोड़ा सा उठाएंगे, मास्टर के अंदर चले जाएंगे हम। ओके यहाँ पे मास्टर के अंदर जाएंगे। अब हम, अगर आप स्किन टोन को देखते हुए इसे बढ़ाना चाहते हैं या वेव फॉर्म को, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैं स्किन टोन को देखते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ओके दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से हमारा कंट्रोल जेड करता हूँ पहले बिफोर, अब मैं दोबारा से बढ़ाता हूँ। ओके दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा जो वेव फॉर्म लूमा है वो ऊपर इसका ग्राफ उठ चुका है। अब हम बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाएंगे क्लिप के ऊपर, आपको देख सकते हैं। बिफोर मैं इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर देख सकते हैं दोस्तों, कलर टोन हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अगर फिर भी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको रेड लग रहा है, रेड टोन थोड़ी सी और डाउन कर सकते हैं, पहले माइनर सी है। ओके दोस्तों डन। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी प्यारी स्किन टोन वापस आ चुकी है। ऐसे ही आगे एक क्लिप है, इसके बारे में भी बता दूं, इस क्लिप के ऊपर भी देख सकते हैं, इसे हम पूरे को कॉपी करेंगे, इस क्लिप के ऊपर लेके आएंगे, कंट्रोल वी कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हर क्लिप का अपना हिसाब होता है, इस पे इतनी ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है। हम मिड टोन को वापस नीचे करेंगे। ओके मास्टर के अंदर आएंगे। ओके दोस्तों यहाँ पे भी ब्लू टोन ज़्यादा है, ब्लू के अंदर आएंगे, इसे कम कर देंगे दोस्तों। ओके अगर आप चाहे बाद में आप इसे वाइब्रेंस भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ 30। अब मैं बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी वेडिंग्स के अंदर होता है दोस्तों। वेडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारी जो लाइटिंग होती है वेडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा येलो पिंक ग्रीन ऐसे ऐसे कलर होते हैं वहाँ पे दिए, और हमारी फुटेज खराब हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे जो पूरे टेंट के अंदर पूरी येलो लाइट डाली हुई है, तो इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, येलो लाइट है जैसे कोई भी किसी भी तरह की लाइट है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उसको भी हम इसके जरिए ही कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले क्लिप को सिलेक्ट करना है आपने। ओके देख सकते हैं मैं प्ले करके दिखाता हूँ, वेव फॉर्म वगैरह साथ में चल रहे हैं हमारे। ओके अब क्या करना है दोस्तों, डन। यहाँ पे सबसे पहले हमारी ग्राफ को टारगेट करेंगे, कि बड़ा कर लेता हूँ पैनल थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा दोस्तों, देख सकते हैं ये पैनल में आपको दिखाई दे रहा है येलो सबसे ज़्यादा है, ओवरलोडेड। यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से ओवरलोड हो चुका है, मतलब बाहर को निकला है कलर, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों कलर।
तो यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा है कि आपका येलो कलर बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है। हम सबसे पहले येलो को कम करेंगे दोस्तों। येलो को कम करने के लिए हम वापस आएंगे। ओके, पहले नीचे कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे अपने क्लिप को। ओके, कर्व के अंदर आएंगे, सिलेक्शन टूल लेना आपने यहाँ से, ह्यू एंड सेचुरेशन से। ओके, सेलेक्ट करेंगे येलो पार्ट को और यहाँ पे आपके पास मार्क आ जाएंगे। यहाँ से हम एक और मार्क कर लेंगे कि ग्रीन पार्ट हमारा ना आए। येलो को कम करेंगे दोस्तों। ओके, साथ साथ में हम इसको भी कंट्रोल करेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते जाएंगे कि इस लाइन के बाहर ना जाए। ओके, अब हम स्किन टोन डाउन कर रहे हैं साथ में। ओके दोस्तों, देख सकते हैं कंट्रोल हो चुका है, अंदर आ चुका है हमारा। और हम करेंगे अब रेड टोन, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 80 के ऊपर जा रही है। थोड़ी सी ग्रीन टोन है, ब्लू टोन कम है, देख सकते हैं। और हमने सबसे पहले रेड टोन कंट्रोल करनी है। ओके, हाइलाइट्स डाउन करेंगे। ओके दोस्तों, अब हमने क्या करना है, ग्रीन टोन डाउन करेंगे। ओके, ब्लू टोन थोड़ी बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमने स्किन टोन को टारगेट करना है दोस्तों। स्किन टोन को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही फास्ट कलर करेक्टर अपने क्लिप के ऊपर रखेंगे, स्किन के ऊपर मास्क लगाएंगे। ओके, और इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। ओके, यहां से हम यू एंगल को करेंगे टारगेट, और यहां पे हमारी स्किन टोन देख सकते हैं, इसको टारगेट करेंगे हम। मैं पैनल थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। ओके, यू एंगल बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा सेंटर में आ चुका है, पहले येलो में था। ओके, हम अब इसे रिमूव कर देंगे मास्क को, क्लियर। अब हम जूम आउट करते हैं। ओके, वापस आते हैं। अब रेड टोन बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसके अंदर, हम इसे कंट्रोल करेंगे, रेड के अंदर आएंगे। ओके, रेड को थोड़ा सा कम कर देंगे दोस्तों। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अब हम वेव फॉर्म को टारगेट करेंगे। इसको बंद कर देता हूँ वैसे, आरजीबी परेड। ओके, इस पैनल को थोड़ा सा, इसको भी बंद कर देता हूँ। ओके, हम वेव फॉर्म को टारगेट करेंगे। अब क्या है दोस्तों, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये पार्ट है जो हमारा, वो ये एरिया है लेफ्ट हैंड साइड का, सेंटर में ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट आ रही है, और यहाँ पे आता है दोस्तों ये एरिया। अब हमने मास्टर के अंदर आना है, बिल्कुल यहाँ पे होता है, आपको पहले भी बताया कि हाइलाइट्स होते हैं, यहाँ पे होता है मिड टोन, यहाँ पे होती हैं शेडोज। आपने क्या करना है, मिड टोन बढ़ानी है, सेंटर से पकड़ के थोड़ा सा मिड टोन बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, देख सकते हैं इतना काम करना है आपने। अब हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं क्लिप को, बंद करता हूँ। बिफोर आफ्टर, बिल्कुल हमारी करेक्शन हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट क्लिप हो चुका है ये दोस्तों। बहुत मेहनत का काम है, अगर आप कोई बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आरजीबी परेड को और हिस्टोग्राम वगैरह, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस क्लिप को बिफोर कितना देख सकते हैं, भद्दा लग रहा है, मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ओके, बिफोर प्ले करते हैं। ओके, अब आफ्टर प्ले करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं बहुत नेचुरल हो चुका है, और स्किन टोन इसकी वापस आ चुकी है पहले से कहीं ज्यादा। स्किन टोन बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी कलर इसके ऊपर नहीं है, लेकिन पहले इसकी स्किन टोन नेचुरल नहीं थी, अब नेचुरल है दोस्तों। ये था हमारा लुमेट्रिक स्कोप्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इस पैनल में, लुमेट्रिक पैनल में पूरा हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके,
ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आगे और भी पार्ट्स आएंगे उसके बारे में मास्टर में बताऊंगा मैं आपको। ओके, पैनल को रीसेट कर देते हैं अपने, रीसेट लेआउट। ओके, कंट्रोल एस कर देता हूँ साथ में, इसको जूम। ओके, आगे आते हैं दोस्तों, हमारे पास एक और क्लिप है, इसके ऊपर करेंगे हम पूरे पैनल की डिटेल। ओके, डन। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बेसिक करेक्शन आता है, यहाँ से आप लट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं इंपोर्ट करेंगे, आगे चल के और बताता हूँ कहाँ से इंपोर्ट करना है। इसके अंदर दोस्तों आता है टेम्परेचर, आता है टिंट, आता है एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट, ब्लैक, सब कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपोजर वाइट देख सकते हैं, वाइट। ओके, मैंने कह दिया 0.4, मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ साथ साथ में। कंट्रास्ट ओके, ब्लैक और ब्लैक हो जाएगा जहाँ पे इसको शेडोज वगैरह, वहाँ पे कंट्रास्ट 25। ओके, यहाँ पे हाईलाइट्स कम करेंगे इनके, जो मतलब देख रहे हैं कि जो इसका नाक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स हैं, देख सकते हैं कम करेंगे। ओके, शेडोज देख सकते हैं, शेडोज अगर रिमूव करना चाहते हैं, आंखों के नीचे शेडोज पड़ रही हो ये भी रिमूव कर सकते हैं, और वाइट लेवल आप कर सकते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट लेवल। ओके, ब्लैक लेवल और ब्लैक कर देंगे बस। यहाँ पे आता है सेचुरेशन, हम नहीं बढ़ाएंगे, आगे चलते हैं क्रिएटिव के अंदर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से आता है लुक, यहाँ से हम इम्पोर्ट करेंगे, यहाँ से इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं उसकी, अगर पूरा 100 होता है उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इंटेंसिटी को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये कर दिया, इसकी इंटेंसिटी भी कम कर सकता हूँ 0 से लेके, देख सकते हैं। ओके, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट क्या आता है, फेडेड फेड कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं अपनी फुटेज को, देख सकते हैं। ओके, 0 कर देता हूँ, नहीं ज़रूरत है हमें शार्प करने की। वाइब्रेंस आता है दोस्तों, ये एक एक सिंगल सिंगल कलर टारगेट करता है। ओके, थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, 25 कर देंगे, सेचुरेशन नहीं बढ़ाएंगे हम, सेचुरेशन पूरी फुटेज के ऊपर हमारी फुटेज ख़राब कर देती है दोस्तों। यहाँ पे आता है शेडो टिंट और हाईलाइट टिंट, इन्हें भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह का, अगर आप थोड़ा सा ग्रीन लुक देना चाहते हैं यहाँ से शेडोज को दे सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट्स को देना चाहते हैं यहाँ पे भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और आगे आता है कर्व, कर्व के अंदर आपको बता दिया है कि पूरी डिटेल में, यहाँ पे आता है ह्यू वर्सेस सेचुरेशन, आप सिंगल सिंगल कलर कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर, मास्टर यही है दोस्तों। इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रीनरी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपके ग्रीन पार्ट आ जाएंगे, यहाँ से आप बढ़ाएंगे ग्रीनरी को तो और ग्रीन हो जाएगी। ओके, देख सकते हैं, यहाँ पे भी मार्क लगा देते हैं। ओके, थोड़ा सा येलो पार्ट भी करेंगे। ओके दोस्तों, डन। यहाँ पे आता है ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस लूमा, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद आता है सेचुरेशन वर्सेस सेचुरेशन, और यहाँ पे आता है दोस्तों कलर व्हील एंड मैच। इसके अंदर हम बात करें कंपैरिजन व्यू आता है पिछले क्लिप का, जो अगर आप कंपैरिजन अगले क्लिप से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक से टूल है, ये पहले भी बताए हैं नॉर्मल क्लासेस में। यहाँ पे आते हैं दोस्तों मिड टोन, शेडो, हाइलाइट्स, अगर आप मिड टोन बढ़ाना चाहते, थोड़ा सा सियान में करना चाहते हैं, देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा सियान। ओके, डन। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हाइलाइट्स थोड़ा सा ग्रीन, ग्रीन करेंगे, ग्रीन एंड येलो। ओके, यहाँ पे हम शेडोज को करेंगे ऑरेंज। ओके, एच एस एल स्कैंडरी आता है दोस्तों, फिलहाल मैं इसे बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा देता हूँ, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो दोस्तों सब क्लिप के ऊपर से रिमूव करता हूँ फिलहाल। ओके, यहाँ पे एच एस एल स्कैंडरी आता है ह्यू सेचुरेशन एंड लाइटनेस, यहाँ पे आता है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ग्रीनरी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे कलर ग्रे को ऑन करते हैं, यहाँ पे हम पूरा मास्क करेंगे यहाँ पे। ओके, ग्रीनरी ग्रीनरी को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ, ओके, थोड़ा सा ब्लर कर देंगे
थोड़ी सी नॉइस रिड्यूस कर देंगे। ओके, अब हम इसे हटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, अगर आप देख सकते हैं ब्लू कर दी पीछे की ग्रीनरी हमने, अगर आप थोड़ा सा येलो में देना चाहते हैं येलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आता है टिंट, टिंट में अगर आप थोड़ा सा ग्रीन पार्ट करना चाहते हैं देख सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, सिर्फ पीछे वाला पार्ट ही हमारा सेलेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कंट्रास्ट दे सकते हैं पीछे की बैकग्राउंड को, शार्प कर सकते हैं पीछे की बैकग्राउंड को, सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं पीछे की बैकग्राउंड का, देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। और दोस्तों यहाँ पे आता है विनियट, इसकी अमाउंट ज़्यादा, चारों कॉर्नर अगर आपने ब्लैक करना है, थोड़ा सिनेमैटिक लुक देनी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। ओके, माइनस में करेंगे थोड़ा सा, ओके 0.3 पे कर दिया हमने। तो यहाँ पे आता है मिड पॉइंट, आता है दोस्तों मिड पॉइंट कहाँ पे, आपका मिड पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे आता है राउंडनेस कितनी करना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चोरस है, मतलब चारों कॉर्नर्स है, यहाँ पे राउंडनेस आ रही है। और इसके बाद आता है फैदर कितना देना चाहते हैं, देख सकते हैं 0 फैदर पे राउंड दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप सब लोगों ने देखा कि ल्यूमेट्रिक पैनल के अंदर यूज़ करने के लिए कितना कुछ है, लट्स कैसे इंपोर्ट करने हैं, आरजीबी परेड कैसे कंट्रोल करना है, और प्लस आपका वेक्टर स्कोप कैसे कंट्रोल करना है, और भी बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।